दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, आपने भी देखा कि हमारे पास आया है गूगल एडसेंस की तरफ से आने वाला जो डाक पार्सल, जिसमें हमें 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मिलता है। उसको डाल के हमने अपना एड्रेस जो है वो एडसेंस में वेरीफाई किया और हमारा जो एड्रेस है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली वेरीफाई भी हो गया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं सभी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी फैमिली को। उनकी वजह से ही आज ये जो माइलस्टोन है ये कंप्लीट हुआ है। तो अब आगे की जो प्रोसेस है उसमें हमें अपना बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करना पड़ेगा अपने एडसेंस अकाउंट के साथ में। बैंक अकाउंट लिंक करने का जो प्रोसेस है उसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आज हम इस वीडियो में समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि जब हम कोई लिंक अकाउंट करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए मैंडेटरी है और कौन कौन सी चीज़ साइट पे हमें ऑप्शनल मिलेगी। सबसे पहले जो हमसे चीज़ वहाँ पे मांगी जाती है वो एक चीज़ तो है आपका अकाउंट होल्डर का नाम, यानी जो भी आपका बैंक रिकॉर्ड के अनुसार जो आपका नाम है वो नाम आपको वहाँ पे एंटर करना है। सेकंड चीज़ है आपका आईएफएससी कोड। हालांकि ये आईएफएससी कोड होता नहीं है, ये होता है आईएफसी कोड, यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका मतलब है ये जो भी हमारी बैंक की ब्रांच होती है ये उसका एक कोड होता है। यानी कि अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम में कहीं पे भी आईएफएस का यूज करेंगे तो हमें उस जो हमारी ब्रांच है उस ब्रांच का नाम वहां पे शो होने लग जाएगा, उसी का मतलब होता है आईएफएससी कोड। तीसरी चीज जो है उसको बोलते हैं स्विफ्ट कोड, वो भी इसमें लगाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ये कंपलसरी इसलिए है क्योंकि YouTube से जो पेमेंट यूट्यूबर के पास आता है वो एक इंटरनेशनल पेमेंट होता है और इंटरनेशनल पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए बैंक को जरूरत पड़ती है स्विफ्ट कोड की। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि हमारी जो बैंक की पासबुक है उसमें तो अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं, CIF नंबर लिखे हुए हैं, IFS कोड भी लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें स्विफ्ट कोड का तो कहीं पे नाम ही नहीं है, तो हम स्विफ्ट कोड कहाँ से लाएं? तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है कि या तो आप अपना जो बैंक मैनेजर है उससे कॉन्टेक्ट जाके उनसे बात कर सकते हैं कि भाई हम यूट्यूबर हैं और हमें अपना अकाउंट लिंक जो यूट्यूब के साथ करना है एडसेंस में, उसके लिए हमें एक स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है, तो वो आपको स्विफ्ट कोड बड़ी ही आसानी से दे देंगे। लेकिन हो सकता है कि आपका अगर बैंक अकाउंट किसी छोटे बैंक में है तो उनके पास में स्विफ्ट कोड, छोटी जो ब्रांच होती है उसके पास में होता नहीं है, तो वो फिर आपको एक सॉल्यूशन निकाल के देंगे कि उनकी जो ब्रांच है वो जिस ब्रांच के साथ में लिंक है उस ब्रांच का आपको वो स्विफ्ट कोड देंगे, जिससे आप इस साइट पे आके और अपना स्विफ्ट कोड डाल के और अपना पेमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी। और एक चाहिए आपको अपना अकाउंट नंबर जो आपकी पासबुक में लिखा हुआ होता है, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि ये जो चीजें हैं ये कौन सी मैंडेटरी है, कौन सी ऑप्शनल है, किसको डालना जरूरी है और किसको डालना जरूरी नहीं है। तो अब हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन जो है उस पे मिलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे की प्रोसेस कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप या आपका जो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसमें गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ से अपना एडसेंस जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन होंगे, आपके सामने ये फर्स्ट इंटरफेस आता है जिसमें आपको लेट्स गेट यू स्टार्टेड का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। मेरा जो होम पेज है उस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एडसेंस यू विल नीड टू ऐड योर पेमेंट इंफॉर्मेशन एंड कनेक्ट योर साइट। अगर आपको अपना एडसेंस जो है उससे अर्निंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको अपना पेमेंट इंफॉर्मेशन यानी अपनी बैंक की जो इंफॉर्मेशन है वो डालनी पड़ेगी, और अगर आपके पास में कोई वेबसाइट है तो आप उसको भी लिंक यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं और उससे भी इनकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन, अगर ये चीज यहाँ से आपको शो नहीं हो रही है तो आप यहाँ नीचे आएंगे पेमेंट इन्फो में, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ हम जो एक्शन वाला आइकन यहाँ पे दिया गया है इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस इंफॉर्मेशन वाले पेज पे आते हैं,
हमें यहाँ ऊपर ऑप्शन जो मिल रहा है वो मिल रहा है पेमेंट अकाउंट का, लेकिन देखिए दोस्तों नीचे लिखा हुआ है एडसेंस इंडिया, यानी यहाँ पे जो 0 डॉलर यहाँ पे शो हो रहे हैं ये हमारे यूट्यूब का अमाउंट न होके एडसेंस का अमाउंट है। अब आपको सबको पता है कि एडसेंस में जो भी अमाउंट आता है वो 21 तारीख को आता है, तो अभी तक इसमें जो भी अमाउंट है वो आया नहीं है, तो यहाँ से पहले हम इसको चेंज करेंगे, इसको एडसेंस से हटा के यूट्यूब में डालेंगे। अभी यहाँ पे नाम आ गया है पेमेंट अकाउंट यूट्यूब इंडिया, अभी तक था एडसेंस इंडिया। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्निंग्स जो है उसमें यूएसडी जो डॉलर है उसमें 21.13 जो डॉलर है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पेड मंथली इफ द टोटल इज एटलीस्ट USD 1100, यानी 100 डॉलर जो है वो होना कंपलसरी है, उसके बिना आप यहाँ से पेमेंट नहीं ले सकते। अब यहाँ से हमें ये पूछ रहा है हाउ यू गेट पेड, यानी आपको पेमेंट जो है वो किस हिसाब से करना है, कैसे करना है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एड पेमेंट मेथड, तो इसके ऊपर हम ओके करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस में हमसे ये पूछ रहा है ऐड ए पेमेंट मेथड, यहाँ पे हमसे कुछ जरूरी और कुछ गैर जरूरी चीजें जो है वो हमसे पूछी जा रही हैं, यानी कुछ यहाँ पे ऑप्शनल है और कुछ यहाँ पे मैंडेटरी है। ऑप्शनल जो है वो एक नंबर पे ये जो चीज आ रही है बेनिफिशरी आईडी, इसके आगे ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो इसको आप भर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, इसका किसी को आइडिया होता नहीं है इसलिए हम इसको खाली ही छोड़ने वाले हैं। इसके बाद में सेकंड चीज जो है वो है यहाँ पे नेम ऑन बैंक अकाउंट, यानी आपका बैंक रिकॉर्ड के अनुसार जो भी नाम है इंटर योर फुल नेम एज शोवन ऑन योर बैंक स्टेटमेंट, आपका बैंक स्टेटमेंट या बैंक की जो पासबुक है उसमें जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पे इंटर करना है। नेक्स्ट चीज पूछी जा रही है बैंक का नेम, यानी आपका जो भी बैंक है उसका नाम आपको पूरा नाम यहाँ पे लिख देना है। अभी जैसे ही हम इसको खाली छोड़ रहे हैं इसके नीचे देखो नाम लिखा हुआ आ रहा है बैंक नेम इज ए रिक्वायर्ड फील्ड, यानी जो भी इसमें रिक्वायर्ड है यानी मैंडेटरी है उसको हम बिना भरे खाली नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट जो है उसका नाम है IFSC कोड, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो हमारी बैंक की पासबुक के ऊपर लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट जो है वो है स्विफ्ट BIC, जो मैंने आपको बताया स्विफ्ट कोड, वो अगर आपकी बैंक की पासबुक में लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपने बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करने के बाद ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक ऐसे बैंक अकाउंट में खाता ओपन एक अकाउंट ओपन करना है जिसमें आपको स्विफ्ट कोड बाय डिफॉल्ट ही मिले, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको खुद एक अकाउंट खोल के दूंगा जो मैंने अपने खुद का खोला है, उसमें से आप बिना किसी बैंक में जाए अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं और बिना किसी मैनेजर से कॉन्टेक्ट किए हुए अपना स्विफ्ट कोड भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है उसका नाम है अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका खाता संख्या है अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और नीचे लिखा है री इंटर अकाउंट नंबर, जो अपना अकाउंट नंबर है उसको आपको यहाँ पे री इंटर करना है। अभी नीचे यहाँ पे एक चेक बॉक्स जो है वो लगाया हुआ है सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, यानी अगर इसको आप अपना निजी खाता बनाना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। नीचे से हम करेंगे सेव, तो हमारा जो भी डेटा है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा और उसके बाद हमारा पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं ये जो सभी डिटेल्स हैं इनको फिल कर लेता हूँ। अब इसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना सभी डिटेल्स जो है वो केयरफुली, यानी इसको आपको जो भी भरना है वो ध्यान से भरना है, देख के भरना है केयरफुली, अगर इसमें आप कोई दिक्कत कर देते हैं तो फिर आपको पेमेंट लेने में भी दिक्कत हो सकती है। सिक्योरिटी रीजन के कारण मैंने यहाँ से इसको ब्लर कर दिया है, क्योंकि इसमें अकाउंट नंबर है तो इसको जो ब्लर करना है वो जरूरी होता है। अब यहाँ से हम इसको करेंगे सेव, तो जैसे ही हम इसके सेव वाला बटन जो है उसके ऊपर ओके करेंगे वैसे ही हमारी पेमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है बैंक ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, ये अपना अकाउंट नंबर है और यहाँ पे इनका नाम आ गया है। अगर हम इसको मैनेज करना चाहें तो हम यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट एक तो ये हो गया है, अगर इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, और यहाँ से कोई दूसरा पेमेंट मेथड अगर हम जोड़ना चाहते हैं
तो वो हम यहाँ से जोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना बैंक अकाउंट जो है वो एडसेंस के साथ में लिंक कर सकते हैं। ऊपर से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी भी ये जो नोटिस बोर्ड है अभी तक वैसा ही शो हो रहा है, लेकिन इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये थोड़ी ही देर में ऑटोमेटिक ही यहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद में आप अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अपना अकाउंट लिंक जो आप कर रहे हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान किया जाएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और टेक से संबंधित वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ न कुछ फायदा जरूर करेगा, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका समय शुभ हो।